प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कैसे आप 3 मीटर कपड़े से एक डिजाइनर कुर्ती बना सकते हैं, वो भी लेडीज। तो चलिए मैं आपको पूरा कटिंग स्टिचिंग बताते हैं। तो मैंने ये 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ था, देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। मैं आपको पूरा इसका साइज दिखा देती हूँ, मैंने इसको कितना रखा हुआ है। तो देख लीजिए, मैंने जो लेंथ रखी है 14.5 इंच है। अब चलिए मैं आपको शोल्डर का साइज, तो मैं शोल्डर का साइज 7 इंच रख रही हूँ। यहाँ पे 7 इंच से हम मार्क कर देंगे 7 इंच पे, तो देखते रहिए। तो मैंने 7 इंच पे मार्क कर दी है। अब मैं बाजू का साइज लूँगी, तो मैं 6.5 इंच बाजू का साइज रख रही हूँ। यहाँ से देखिए मैंने 6.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से मैं बराबर कर देती हूँ। अब इसको देखिए, पहले मैं गोल का निशान दूंगी, तो मैंने देखिए इसको थोड़ा सा मार्क किया है एक जगह से 3 इंच पे, फिर वहाँ से मैंने इसको राउंड कर दिया है। अब हम जो है गले का साइज लेंगे, तो मैं 3 इंच पे जो है गले की मार्किंग कर रही हूँ। अब देखिए ये मैं साइज ले लेती हूँ। अब यहाँ से हम जो है पूरा पहले मार्क करेंगे अपने ब्रेस्ट का साइज का। अब नीचे के साइड से मैं जो है आपका जितना एब्डोमेन है उतना रखिएगा। तो मैं देखिए 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ से मैं बराबर एक लाइन ले लूँगी दोनों साइड का। तो मैंने पूरा कटिंग कर दी है बराबर करते हुए, नीचे से 1 इंच मैंने माइनस कर लिया है। इसी तरीके से आप भी कर दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको इसका पूरा गला वाला देख लीजिए, मैंने कटिंग कर दी है। तो मैंने गले की जो साइज रखी थी 3 इंच पे मैंने मार्किंग की थी, उसी तरीके से आपको भी करना है। ये मैंने देखिए फ्रंट साइड की कटिंग की है, तो फ्रंट साइड का जो है गले की लंबाई मैंने 4 इंच रखी है, सॉरी 6 इंच लंबाई है फ्रंट साइड के, और बैक साइड के गले की लंबाई 4 इंच है। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा देखिए 1/2 इंच फ्रंट साइड से माइनस किया है आर्म होल के पास। अब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे सीधे में, ये देख लीजिए मैंने सीधे में पूरा कटिंग कर ली है इसकी। अब मेरा ये देखिए पूरा मेरा नीचे के साइड का घाघरा है, तो उसको मैं कैसे कटिंग करूंगी, देखिए डबल फोल्ड में है, तो इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। ये देखिए पूरा मैंने फोल्ड कर लिया है इसको। अब ऊपर के साइड से जो मैंने अभी ऊपर के साइड का कट किया है, उसको मैं लेकिन यहाँ से साइज करूँगी कैसे आएगा। तो ये देखिए मैंने ऊपर के साइड का पार्ट ले लिया है, यहाँ से बिल्कुल बराबर करके फिर मार्क कर देंगे। ये देख लीजिए मैंने मार्किंग कर दी है। अब नीचे के साइड का मार्क करेंगे, तो आप जितना आपको अपना घाघरे की लंबाई रखनी है आप उतना रख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ घाघरा, तो मैं देख लीजिए मैं जो है अपने घाघरे की लंबाई जो है 38 रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। यहाँ से मैं मार्किंग कर लेती हूँ पूरा। ये मेरा जो है फ्रंट साइड का मार्किंग है, हम बैक साइड का मार्क करेंगे। तो बैक साइड से हम थोड़ा सा बढ़ाते हुए लेंगे, तो देख लीजिए मैं बैक साइड से 7 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ लंबाई। यहाँ से मैंने मार्क कर दिया 7 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। अब पहले हम ऊपर के साइड का कट कर देंगे। अब नीचे के साइड सबसे पहले हम एकदम नीचे से कट करेंगे जो मेरा बैक साइड का पार्ट है। अब मुझे इसको दोनों को अलग पार्ट कर लेना है, अलग अलग करके मैं कट कर देती हूँ यहाँ से। तो देखिए 2 पार्ट में हो चुका है। अब एक पार्ट हम ऊपर के साइड का ले लेते हैं और नीचे के साइड का निकाल देंगे। अब जो है हम इसको कट कर देंगे, जो मैंने मार्किंग की थी वहां से हम कट कर लेंगे। तो मैंने देखिए इसको कट कर लिया है, मेरा फ्रंट साइड है और ये मेरा बैक साइड है। अब मुझे बस इसकी स्टिचिंग करनी है, तो चलिए मैं आपको पूरा स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। इसको एक साइड कर लेते हैं। ये मेरा फ्रंट साइड का पार्ट आ चुका है, ये देख लीजिए। अब इसको कैसे स्टिच किया जाएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें जो हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो मैंने ये डोरी बना के रखी हुई है, इस डोरी को मैं कट कर लेती हूँ। तो डोरी की लंबाई आप 1.5 इंच रखिएगा, मैं 1.5 इंच की लंबाई पे सभी डोरियों को कट कर रही हूँ।
ये देख लीजिए मैंने 1.5 इंच की लंबाई पे सब डोरियाँ कट कर ली है। अब इससे मुझे डिज़ाइन बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ डोरी को, जैसे मैं कज बनाते हैं, और यहाँ से रखते हुए पूरा डोरी स्टिच कर देंगे। पूरे जितना मेरा कटिंग किया हुआ डिज़ाइन फ्रंट साइड का, उतने पर मैं लगा के इसे स्टिच कर दूँगी। तो देख लीजिए मैंने एक साइड से पूरा स्टिच कर दिया है। अब चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो ये मैंने देखिए कटिंग कर लिए बराबर में कपड़े मेरे, और इस साइड से भी देखिए बिल्कुल बराबर मैंने कटिंग कर दी है। अब दोनों साइड से इसे स्टिच कर देते हैं। तो मैंने देखिए स्टिच कर लिया है दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब इस पर हम कट्स लगा लेंगे। तो मैंने कट्स लगा लिया है, देख लीजिए। अब इसको हम उलट कर स्टिच कर देंगे। तो उलट कर पहले हम सीधा करते हैं, इसको पीछे के साइड डाल देंगे और फ्रंट साइड हमारा आ जाएगा। तो ऐसे इसे भी उलट लेते हैं। ये देखिए पहले हम सिलाई लगा लेते हैं डिज़ाइन के बिल्कुल कॉर्नर से। ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ऐसे आप भी लगा लीजिएगा सिलाई। अब ये मैंने पट्टी ली है, आगे के साइड से थोड़ा फोल्ड कर लीजिएगा, फिर इसके ऊपर हम रखेंगे पार्ट, दोनों पार्ट को इस तरीके से, और सिलाई लगा के इसे ज्वाइंट कर देंगे पूरा। तो देखिए मैंने सिलाई लगा के इसको पूरा अच्छे तरीके से ज्वाइंट कर लिया है। ये मेरा फ्रंट साइड था, फ्रंट साइड मेरा कंप्लीट है। अब मैं आपको बैक साइड बना के दिखाती हूँ, बैक साइड आप कैसे बना सकते हैं। तो फ्रंट साइड को हम एक साइड कर लेते हैं। अब ये मेरा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट को जो देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इसको मैंने क्रॉस कटिंग की है, और यहाँ से देखिए मैंने इसको फोल्ड करके पूरा कम्प्लीटली बना दिया। ये मेरा स्लीव है। अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग दिखा देती हूँ, कैसे आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना लंबा रहे ले लीजिएगा। मैं देख लीजिए मैं 18 इंच लंबाई रख रही हूँ स्लीव की, और यहाँ से 3 इंच में पहले मैं देखिए मार्क की हूँ, और गोलाई करते हुए मैं पूरा मार्किंग कर देती हूँ, ये देख लीजिए। और एक मार्किंग हाफ इंच जो है लेस करते हुए की है मैंने। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं। अब हाफ इंच का जो है वो फ्रंट साइड से कटिंग होगी, तो हाफ इंच पे भी कटिंग कर लीजिएगा। और आर्म होल जो मैंने देखी सॉरी नीचे के बाजू का जो है मैंने मार्किंग कर ली है, तो मैं अपने मौजूद बाजू जो है 5 इंच पर मार्क की और पूरा बराबर करते देखिए मैंने आस्तीन की कटिंग कर दी है। अब देखिए जो मैंने अभी कटिंग की हाफ इंच का, ये मेरा फ्रंट साइड में रहेगा। अब मैंने इसको कटिंग पूरा कर दिया है। अब इसको बीच से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो बीच से डिज़ाइन बनाने के लिए पहले मुझे इसे कटिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं कितना ले रही हूँ, आपको डिज़ाइन में आपको बना के पूरा दिखा देती हूँ। देखिए मैंने ये पट्टी लिया है, अब इसको मैं पट्टी आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने पट्टी पूरा 9 इंच की ली है, आपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा पट्टी। अब यहाँ से मैं इसे कटिंग कर देती हूँ, बीच से थोड़ा सा कट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं यहाँ से मार्क कर लेती हूँ 9 इंच पे। अब बराबर कर देंगे इसे। तो देखिए 9 इंच पे अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो अपना जो है पट्टी थोड़ा और बड़ी लीजिएगा। तो मैं 7 इंच पे कटिंग कर रही हूँ, 9 इंच की मैंने पट्टी ली है। अब यहाँ से इसको पहले मैं देखिए स्टिच कर लूँगी। सबसे पहले यहाँ से इसको देखिए दोनों पे मैंने मार्किंग कर दी है, और यहाँ से हम जो इसको कटिंग पहले करते हैं, इसका मुझे डिज़ाइन बनाना है। पहले यहाँ से कट्स लगा लेंगे, जो मैंने मार्क किया था सेम उसी जगह से मैं कट्स लगाई हूँ, और उसी तरीके से जो मैंने पट्टी ली उस पर भी कट लगा लेंगे। तो पहले हम इस पे जो मैंने भी कज वाला ये कपड़ा लिया, इससे पहले मैं इसको पूरा स्टिच कर देती हूँ। तो मैंने कज का देखिए डिज़ाइन पूरा स्टिच कर दिया है। अब जो मैंने पट्टी ली है इसके ऊपर रखते हुए पहले हम पट्टी को स्टिच करेंगे। तो बीच से पहले हम इसे कट कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, और इसको फिर नीचे के साइड फोल्ड करके स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने पूरा देखिए इसको स्टिच भी कर लिया नीचे के साइड फोल्ड करके, अब पूरा मैंने बना लिया इसे।
तो देख लीजिए मैंने अलग से ये पट्टी ली है। यहाँ से इसको रखेंगे हाफ फेयर डे पे और इसको नीचे के साइड से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ से स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए मैंने स्टिच कर दिया है इसको। ये मेरी आस्तीन देख लीजिए, पूरा स्लीव्स कंप्लीट है। इसी तरीके से दूसरा स्लीव भी आप बना लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको आगे का स्टिचिंग दिखाती हूँ। तो ये मेरा देखिए फ्रंट साइड दोनों को मैंने शोल्डर के साइड से ज्वाइंट कर दिया है और ये मेरा स्लीव्स है, इसको भी मैं सेम इसी तरीके से पूरा ज्वाइंट कर दूंगी। ये जो मैंने लेस किया था हाफ इंच, इसको हम फ्रंट में रखेंगे और जो बराबर में था उसको हम बैक में रखेंगे। यहाँ से ऐसे इस तरीके से मैं पूरा स्टिच कर देती हूँ स्लीव्स को। तो मैंने देखिए पहले इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, फिर मैं स्लीव को आपको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। तो देख लीजिए मेरा स्लीव भी ज्वाइंट हो चुका है। अब चलिए मैं आपको उस पार्ट को ज्वाइंट करके दिखा देती हूँ। मैं इस तरीके से बैक साइड और फ्रंट साइड को दोनों को ज्वाइंट कर लूंगी एक साथ में। तो देख लीजिए मैंने पूरा ज्वाइंट कर दिया है। अब मुझे ये मेरा पूरा जो है देखिए बीच से ज्वाइंट हो चुका है। अब मुझे साइड साइड से बस इसको फिटिंग करना है। तो मैं आपको फिट करके दिखा देती हूँ। देखिए मेरा फिट भी हो चुका है ये। अब नीचे के साइड से हम इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो पहले मैं आपको इसको पूरा सीधा करके दिखाती हूँ। ये मैंने पूरा सीधा कर दिया है। नीचे के साइड से बस हमें फोल्ड करते हुए डबल लेयर में और इसे स्टिच कर देना है। तो ये देख लीजिए इसको डबल फोल्डिंग में करते हुए फिर एक सिलाई लगा दीजिएगा। तो मैंने पूरा सिलाई लगा लिया इसको डबल फोल्ड करते हुए। ये पूरा स्टिच हो चुका है। अब मैं जितना भी कच वाला डिज़ाइन बनाई हूँ उस पर मोती लगाऊंगी। तो किस तरीके से मोती लगाया जाएगा मैं आपको दिखा देती हूँ वीडियो में। इसी तरीके से पूरा मोती लगा दीजिएगा और आपका डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।